हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जालौर ग्राम सेवा सहकारी समिति करडा द्वारा किसानों को फसल बीमा राशि वर्ष 2017-2018 व्यवस्थापक प्रवीण सिंह करडा द्वारा हड़पी गई है, जिसकी जांच को लेकर जिला कलेक्टर बीएल कोठारी, सांसद देवजी भाई पटेल, बीजेपी जिला अध्यक्ष रविंद्र सिंह बालावत को ज्ञापन सौंपकर बताया गया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा राशि खरीफ भेजी गई, प्रीमियम राशि के आधार पर व्यवस्थापक प्रवीण सिंह द्वारा प्राप्त क्लेम राशि खातों में जमा कर स्वयं द्वारा उठाई गई है और फर्जी हस्ताक्षर करके जिसमें किसानों की चेक बुक पासबुक व्यवस्थापक प्रवीण सिंह के पास है, किसानों को खाते की जानकारी नहीं है और स्लिप हर हस्ताक्षर करवा कर कितनी राशि जमा हुई है, कितनी बीमा राशि जमा हुई है उसके बारे में किसान कष्टकारों को कोई जानकारी नहीं है और जिला कलेक्टर से निवेदन है कि उच्च अधिकारियों द्वारा किसानों के बयान लिए जाएं जिसमें वास्तविकता की जानकारी हो सके। किसानों के फर्जी खाते खोलकर ऋण राशि भी उठा ली गई है और बीमा राशि भी उन्होंने हड़प ली है, जिसकी किसानों को कोई भी जानकारी ही नहीं है और उनके हक की राशि हड़प कर हमारे साथ अन्याय और फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। ग्राम कोडका वालाराम पुत्र हेमाराम कलबी के नाम से बैंक ऋण खाता खोलकर पैसे हड़प लिए, जबकि जिनके नाम का ऋण लिया गया था उसको जानकारी भी नहीं थी और वे कभी बैंक भी नहीं गए थे। किसानों के प्रत्येक खाते में ब्याज गलत रूप से जोड़ा गया है, जबकि 2009 से बिना ब्याज ऋण दिया गया था। किसानों के द्वारा हर 6 महीने में खाता रिन्यू किया गया, लेकिन किसानों को गुमराह करके ओवरड्यू बताकर पैसे हड़पे गए और जिला कलेक्टर महोदय से निवेदन है कि उचित जांच किसी उच्च अधिकारी से करवाकर सख्त से सख्त कार्यवाही करवाएं और किसानों के साथ न्याय करवाएं, दोषियों पर कड़ी कार्यवाही करवाएं और यदि हमारी समस्या का समाधान 30 अगस्त 2018 तक नहीं हुआ तो हम ग्रामवासी मुख्यमंत्री महोदय के सामने विरोध प्रदर्शन करेंगे। इस दौरान महेंद्र कुमार, प्रेमा राम, रत्ना राम, निम्बा राम, जितेश कुमार, केजा राम, मफा राम, लाला राम, हिमता राम, शंकर लाल, दला राम, भीमा राम, विरमा राम सहित काफी संख्या में किसान और युवा मौजूद थे। देखो जागरूक, बनो जागरूक।